थोड़ा शांत स्वभाव से ये पेनल्टी मैच होते हुए। कमेंटेटर भी शायद चुप हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इधर गांव वाला मैच में महिलाएं भी देखने आती है, ये बड़ी अच्छी बात है। रांची में होता है तो जल्दी महिलाएं देखने के लिए नहीं मिलती है। ट्राइबेकर में देख रहे अब किक लेने के लिए जाते हैं कटप्पा। कटप्पा को बहुत कम ही ग्राउंड में किक लेते हुए देखा गया है। आज क्या करते हैं, मैच तो अच्छा दिखाएं बट पेनल्टी में देखिए क्या होता है। एकदम से लगा था कि सेव हो गया बट कीपर चकमा खा गया कटप्पा का गोल। पूरा चकमा दे दे के पेनल्टी मार रहे हैं मुंडा ब्रदर के टीम, और रेमन को कोई जज नहीं हो पा रहा है कि किधर मारेगा। अच्छा किक मार रहे हैं, गोलकीपर को समझ ही नहीं आया किधर बॉल जाएगी। अच्छा स्विंग किया बॉल को, तो बहुत सारे मैचों में डीसी चांडिल की तरफ से खेलते हैं ये प्लेयर। तो कटप्पा कुछ गुप्त मंत्र ना देने गए हुए हैं कि किधर मारते हैं, वो डायरेक्शन से बताने गए हैं रेमन को, क्योंकि बहुत सारे मैचों में साथ में ही खेल चुके हैं। तो कटप्पा का गुप्त मंत्र ना काम आया शायद, इसी कारण में प्रेशर में प्लेयर ने गोल को बाहर उड़ा दिया। अब किक लेने के लिए जाते हुए प्रकाश मुंडा मेकोन के भूतपूर्व खिलाड़ी है, गुमला साइड से बिलोंग करते हैं। ओ भाई भूख लग रहा,
इतना पावर से सब प्लेयर गोल मार रहे हैं कि क्या बोले भाई, कीपर भी चकमक खा जा रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल अभी तक दोनों ही टीम बराबरी के स्थान पे जमा करके अपना टीम का स्थान सुरक्षित करा लेंगे। प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 70,000, तृतीय पुरस्कार 15,000, चतुर्थ पुरस्कार 15,000 प्रतियोगिता आप लोग आना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। फिर से कटप्पा कुछ बताने गए हुए हैं रेमन को। जब जब बताने जाते हैं कुछ अच्छा होता है ऋषि चांडल टीम के लिए। तो इसी तरह डीसी चांडिल की टीम जीत गई है। जब जब कटप्पा कुछ बताने गए हैं अच्छा हुआ है।